अगर जीवन से उत्साह खत्म हो गया है, जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो उत्साह पैदा करिए, अपने अंदर निराशा का भाव मत लाइए। अपने घर में काली चीज़ों का प्रयोग बंद कर दीजिए, काले उड़द खाना बंद कर दीजिए, काजल लगाना बंद कर दीजिए, किसी भी रूप में काले कपड़े का प्रयोग बंद कर दीजिए, लोहे का फर्नीचर बंद कर दीजिए लाना। इससे आपकी किस्मत जागृत होगी और आपके जीवन में उत्साह का संचार होगा, जीवन में आत्मबल का संचार होगा। सूर्य को जल देना चालू कर दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप हर काम करने में अपने को समर्थ मानने लगेंगे। अपने आप को कोसना छोड़ें कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसा कभी मत करिए। अगर आपके माता पिता भी आपको कोसते हैं, उनको मना करिए विनम्रता पूर्वक, क्योंकि माता पिता को भी बच्चों को कोसना नहीं चाहिए। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको शुभाशीष देनी चाहिए। इसी से भाग्य जागृत होता है। जो बच्चा स्लो है, डल है, उसकी कभी निंदा न करें, बल्कि उसका उत्साह बढ़ाएं। इससे उसको फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। अगर वो प्रगति करेगा तो आपको भी खुशी होगी। तो माता पिता का दायित्व बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपका कोई भी नहीं है तो भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को ही अपने सामने मानकर, भगवान की मूर्ति सामने रखें या भगवान की तस्वीर सामने रखें और अपना दुखड़ा भगवान को ही कहें, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई नहीं दुनिया में जो दुख दूर करके सुख दे सकता है। उसमें किसी में इतनी पावर नहीं है, सक्षम शक्ति नहीं है जो आपकी दुखड़े दूर कर सके और आपको सक्षम बना सके हर काम करने में। तो भगवान के आगे, ठाकुर जी के आगे अपनी जो रोना है, रोना रोता है रहते हैं, रोना रोने से मतलब है अपने दुखड़े कहना, उनको अपनी तकलीफ कहना, अपने कष्ट कहना। अगर आपकी संतान आपके कहने में नहीं है, उनका उनकी भी जिज्ञासा मतलब आपके मन में है और उनके बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं, तो ठाकुर जी को शिकायत कर सकते हैं और उनसे विनती कर सकते हैं, उनका स्वभाव अच्छा करें, वो उनका चिड़चिड़ापन कम करें, मतलब समाप्त हो उनकी उनका चिड़चिड़ापना, ऐसा भी कर सकते हैं। अपने पति को लेकर आपको कोई शिकायत है, वो शिकायत भी आप भगवान के सामने कहें और भगवान से विनती करें, ठाकुर जी से विनती करें, क्योंकि ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं है आपका हितैषी। ये आपको जिस दिन आपने समझ लिया, भगवान की भक्ति जिस दिन आपने समझ ली, उस दिन आपको हर चीज़ छोटी लगने लग जाएगी, हर चीज़ मतलब नेगेटिव मतलब यूज़लेस लगने लग जाएगी और अपना जीवन अमूल्य लगने लग जाएगा। तो अपने जीवन को अनमोल बनाएं, अमूल्य बनाएं और भगवान की भक्ति में लगाएं, इसी से आपके जीवन की सार्थकता है। थैंक यू सो मच।